इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश में आदिवासी से बेरहमी करने वालों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, तो हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे हरियाणा में हलचल तेज है। लाठीचार्ज के खिलाफ नू में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत हो रही है। किसान नेताओं की इस महापंचायत में क्या हो रहा है, नू से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करनाल लेकर चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अभय पराशर। किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, करनाल के उस वायरल वीडियो का सच क्या है जिसमें एक आईएएस अफसर किसानों के सिर फोड़ने के बाद कह रहा है, तो दूसरे वीडियो में किसान फावड़ा लेकर पुलिस वालों की तरफ ही दौड़ रहे हैं। इसकी पूरी हकीकत सीधे करनाल के ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं। करनाल में बस्ताड़ा टोल पर कल जिस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच आपस में कई बार आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए, लाठी चार्ज हुआ, कई किसान इसके अंदर घायल हुए, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ हुआ था उसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं उसी बस्ताड़ा टोल पर। आप देख सकते हैं ये बस्ताड़ा टोल है और टोल के एक तरफ जो है ये तमाम किसान जो है बैठे हुए हैं अपना जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर, और जो बैठक होनी थी बीजेपी की उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था, जिसके बाद कल यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। क्या कुछ हुआ, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे कुछ घायल भी हैं और जो कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, सीधा उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट जेपी शेख पूरा नाम है सर। कल क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आप लोगों का क्या कार्यक्रम था, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, ऐसी नौमत क्यों आई? 9 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक दिन में एक गाँव आता है अनशन करता है। कल गक्षिणा गाँव है, उन बुजुर्गों का यहाँ पर अनशन था 12 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद यहाँ आराम से बैठे हुए थे। पर एक दिन पहले हम लोगों ने कह दिया था कि जो करनाल में हमारे सीएम साहब पहुँच रहे हैं कि हम काले झंडे से विरोध करेंगे, आप लोग पूरे हरियाणा की मीटिंग यहाँ मत करें, अगर करनी है काले झंडे से। हमारा एक स्थान नियुक्त हो गया था करनाल में डेरा अपना, वहाँ पर हम लोगों ने जाना था कार सेवा, डेरा कार सेवा की चार दीवारी है, वहाँ आराम से हमने कहा कि बसों में भर करके आप लोग ले जाइए और वहाँ पर हम लोग काले झंडे दिखाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ पुलिसकर्मी नशे में थे और कुछ एसडीएम जो हमारे करनाल के ने तालिबानी फरमान दिया, उसकी वीडियो भी चल रही है, आपको वीडियो भी दिखा देंगे। एसडीएम ने सभी पुलिस वालों को बुला के कहा कि कितने पुलिस वाले मेरे सामने खड़े हैं जो सर फोड़ेंगे, कितने पुलिस वाले हैं जो इनको पूरी तरह से लठों से मारेंगे। तो उससे आक्रोश होकर के पदोन्नति के चक्कर में कोई डीएसपी बनना चाहता है कोई कुछ नहीं, उन्होंने हमारे बुजुर्गों के ऊपर 4-5 बार अटैक किया। पहला अटैक सवेरे 10:30 बजे हुआ, जो हमारे हुक्के थे, अभी भी हुक्कों की चिल में टूटी हुई है पंचायती हुक्के की, तब इतनी बुरी तरह से हमारा बुजुर्ग है हाथ में दांत ले घूम रहा है। हमारे 15-20 ट्रामा सेंटर में है करनाल, ये फौजी है जो उसकी हाथ टूटा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी अटैक होता हुआ, एक एक घंटे बाद अटैक हुआ, तो इस तरह से खिलवाड़ बना रखा था किसानों के साथ, पता नहीं पूरा दिन क्या है। और रात को हमारे राजा जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी की सड़क पर बैठेंगे तो पिटेंगे ही। करनाल के जिस टोल नाके पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, वहां आज भी काफी लोग मौजूद हैं। पुलिस के लाठीचार्ज में घायल कुछ किसानों से भी अभय पराशर ने बात की। जो घायल लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है, आपको चोट कब लगी, क्या हुआ? रघुवीर सिंह इधर बैठे हुए थे, पुलिस आई, पुलिस हमारा ठीक जा बापू, पुलिस बोली के चलो तुम्हारे को गिरफ्तार करेंगे, चल बे कर ले गिरफ्तार कर ले। तो हमारे में एक वकील था, तो वो बोला भाई और वारंट दिखा, गिरफ्तारी का मारा वारंट दिखा दे मारा, तो वो उन्होंने उठा लिया उधर ने पुलिस से, इतना लठ बरसाया उसके ऊपर, तो बची गया नहीं तो मर भी जाना था। अच्छा जी, उसके बाद फिर पूरे पर लठ बरसाना शुरू कर दिया, 3 लठ मेरे लगे जी, एक तो ये बांह टूटी है, एक ये इधर से फूट रहा है, एक सिर में लगा है। लेकिन इस सरकार ने, जो एक कानून बना रखे हैं, जब हम उन कानूनों को नहीं चाहते, वो क्यों हमारे पर ठोंस रहे हैं, ये हमारे काबिल नहीं है, वो कानून हमारे काम के नहीं है। अभी ये मेरे काम का नहीं है आपका कैमरा, और आप बोलोगे इसने ले,
मैं इसका क्या करूंगा? 6 बार लाठीचार्ज करने के बाद पूरे दिन में 6 बार लाठीचार्ज किया उन लोगों ने। हमारे आदमी 20 आदमी तो ऐसे हैं कि जो के वो 3 बजे बताया बहुत घायल है। दरअसल करनाल में कल बीजेपी की एक बैठक थी। किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाने का प्लान बनाया था, जिससे लेकर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। किसानों की नाराजगी सबसे ज्यादा एसडीएम के सिर फोड़ने वाले ऑर्डर को लेकर है। ये वो टोल टैक्स है जो कि बड़ताड़ा का ये टोल टैक्स है, करनाल से पहले ये पड़ता है और यहाँ पर कल ये किसान, ये जो पूरा टोल टैक्स है इसके एक हिस्से में एक तरफ यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। काफी दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है। तो वहीं करनाल में कल बीजेपी की एक बैठक होनी थी जिसमें तमाम जो नेता हैं उन्हें वहां पर पहुंचना था। किसानों का ये प्रोग्राम था कि काले झंडे दिखाए जाएं और जो लोग यहां पर बैठे हुए थे करनाल से पहले बड़ताड़ा टोल टैक्स पर, यहां पर इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस यहां पर पहुंची, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इस तरफ दोनों तरफ ये जो आप देख रहे हैं खेत हैं, इस तरफ जो है किसान यहां पर भागे और उसके बाद पुलिस से इनका आमना सामना हुआ, आपस में मारपीट हुई जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। यहां पर किसानों की नाराजगी ये है कि जो एसडीएम ने आदेश दिया था पुलिस को कि किसानों का सिर कौन फोड़ेगा, उस वीडियो को लेकर भी यहां पर किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। और यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ताड़ा का ये जो टोल टैक्स है यहां पर ये किसान अभी भी बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है उसमें जो पुलिसकर्मी या फिर प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो एसडीएम की वीडियो हो या फिर कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें पुलिस वालों के ऊपर भी हमला हो रहा है, वो अपने आप में निंदनीय है। और इसी को लेकर फिलहाल जो यहां पर किसान है उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चुनाव चालीसवां में चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।